जय श्री महाकाल दोस्तों, आज मैं बताने जा रही हूँ कि सियार सिंगी से आप अपने शत्रु से कैसा पीछा छुड़ाएं, आप अपनी बरकत के लिए कैसा पूजा करें और अगर किसी भी काम के लिए जा रहे हैं तो कैसे पूजा करें। सबसे पहले आप देखिए, मैंने यहाँ पे ये दो स्टार बनाए थे। दोनों स्टार पर हम एक एक सियार सिंगी को अपने रख देंगे और पाँच लौंग, पाँच इलायची और पाँच तुलसी के पत्ते चढ़ाएंगे। उसके बाद तेल का या घी का दिया जलाएंगे, या फिर आप तिल के तेल का भी जला सकते हैं। घी का ना जलाएं, तेल का जलाना ज़्यादा अच्छा रहेगा, तिल के तेल का या सरसों के तेल का। और उसके बाद आप अपने शत्रु का फोटो इन दोनों के बीच में रख दीजिए और साथ में मैं आपको ये मंत्र शेयर कर रही हूँ। वशीकरण जो आपके नीचे जो आप देख रहे हैं ना, वो नहीं देखिए, आप सिर्फ इसको देखिए जहाँ लिखा है ओम नमो भगवती रुद्राणी चामुंडानी घरोणी सर्व पुरुष शोभितो सर्व शत्रु। शत्रु के बाद अपने शत्रु का नाम विद्रावणी बोलकर आप इस मंत्र की पांच माला का जाप करें और उसके बाद आप इसकी पूजा 21 दिन तक करें। और 21 दिन पूजा होने के बाद 22वें दिन इसको उठाकर आप अपने घर की तिजोरी में या कहीं अच्छी जगह पर, साफ जगह पर रख दें। जो लोग फाइनेंस के लिए पूजा कर रहे हैं, सेम प्रोसेस रहेगा, 21 दिन तक पूजा करेंगे। मंत्र आप बोलेंगे ये ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे नमः। पांच माला का जाप करना ज़रूरी है, नहीं कर पाएँ तो दो माला का जाप भी कर सकते हैं। और ये सब सामान आप एक बार चढ़ाएंगे तो जब अगली पूजा जब तक नहीं करेंगे तब तक यही सामान रहेगा, चेंज नहीं करना है आपको। और जो लोग फाइनेंस के लिए पूजा कर रहे हैं वो बाद में इसके अंदर कुछ रुपए और कुछ सोने की आइटम जैसे नाक की लौंग या कुछ हो तो करें, और कृपा करके इसे गलत काम के लिए ना इस्तेमाल करें। जय महाकाल।